Hello friends, this is Kushal Jain and I am from Chahal Academy. I hope you all are doing great in health. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये कल प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की जो स्पीच थी उसके एनालिसिस के ऊपर है. हम इस स्पीच का सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे बट इससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश भी करेंगे. तो शुरुआत हम स्पीच की हाईलाइट से करते हैं. जो मेजर हाईलाइट था वो यही था कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च करा. ये इनिशिएटिव जो है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्या है एक एस्पेक्ट है क्योंकि दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च विद अ स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडिया GDP. दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो इनिशिएटिव है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रपोजल है और या फिर फिस्कल स्टिमुलस है. इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने फिस्कल स्टिमुलस प्रपोज करा था जो 13% ऑफ यूएस का जीडीपी के जितना था. जापान ने भी अपना फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस करा था जो 20% ऑफ इट्स GDP था. तो इंडिया ने जो फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया है या जो ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है इसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज का नाम दिया गया है. उसका मतलब है ये इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को हर एक स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे. हर एक स्टेक होल्डर्स को ये टच करेगा और उनको वो सारे के सारे एस्पेक्ट सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा. तो आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च करा गया उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज को लॉन्च करा गया. और प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि इस पैकेज के थ्रू हम इकोनॉमी के 5 मेजर पिलर्स को हम फोकस करेंगे और इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे. ये 5 पिलर्स क्या है हम आगे जाके देखेंगे. लेकिन इसके साथ साथ कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स लाने की बात करी. आगे आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ रिफॉर्म्स कुछ प्रपोजल्स को इंट्रोड्यूस करेगी. हम जैसे ही प्रपोजल्स आएंगे उससे रिलेटेड हम एक और एनालिसिस वीडियो बनाएंगे. लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया को पुट फॉरवर्ड करा देश के सामने वो है वोकल अबाउट लोकल प्रोडक्ट्स. उसका मतलब क्या है कि सिंपल है स्वदेशीकरण इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया. यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके उनको ग्लोबल बनाना है. ये क्या है कोर ऑफ उस आइडिया का कोर है. नाउ यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सेल्फ रिलायंट कैंपेन है इसको अभी क्यों लॉन्च किया गया है दैट टू ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस. इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये बाद में क्यों नहीं अनाउंस किया गया या फिर सेल्फ अभी सिर्फ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर देते फिर उसके बाद सेल्फ रिलायंट अभियान या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया का कैंपेन लॉन्च करते. क्योंकि नाउ फॉर अस प्राइमरी फोकस इज फाइट अगेंस्ट कोरोना रादर देन यू नो एनी अदर फैक्टर. क्योंकि अगर हम हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो फिर शायद ये कोरोना का क्राइसिस और भी इंडिया में बढ़ सकता है. तो ये सवाल पे हम आएंगे. लेकिन ये मेजर हाइलाइट्स थी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच की. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है. अगर हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखें तो अगर मैं अपनी जजमेंट्स को खुद कर रहा हूँ अपने डिसीजंस को खुद ले रहा हूँ और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ निर्भर नहीं हूँ तो मैं एक सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल हूँ. लेकिन अगर हम बात करें किसी देश के सेल्फ रिलायंस की या आत्मनिर्भरता की तो अगर कोई भी देश अपने हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर कोई भी देश अपने डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर कोई भी देश किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं है फॉर इस एसेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए तो उस देश को हम आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बोल सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट है. आप अगर हम कुछ डेकेड्स पहले की बात करें तो अगेन हमने सेल्फ रिलायंस अचीव करी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे. लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो क्या इंडिया सेल्फ रिलायंस है सेल्फ रिलायंट है. अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे इंपोर्ट्स की वेजिटेबल ऑयल है इलेक्ट्रॉनिक्स है मोस्ट ऑफ आर इलेक्ट्रॉनिक्स आर सोर्स फ्रॉम चाइना. सब कुछ छोड़ के अगर हम बात करें इंडिया के सिक्योरिटी की तो अगेन इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अभी भी हमारे डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स जो एयरक्राफ्ट्स और जो आर्मामेंट्स चाहिए हम उसके इम्पोर्ट्स के लिए हम उसके लिए डिपेंडेंट है
है यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, फ्रांस के ऊपर, तो हमारे सिक्योरिटी के लिए भी हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू बी सेल्फ रिलायंट, क्योंकि ये बताया गया है कि जो 21st century है ये बोला जाता है कि ये एशियन सेंचुरी है और ये इंडिया को बिलोंग करती है, इंडियन सेंचुरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर फैक्टर्स सच एज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा सॉफ्ट पावर है, इंडियन डायस्पोरा है, ये सारे वेरियस फैक्टर्स है ड्यू टू विच वी ऑलवेज से कि 21st century बिलोंग्स टू इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने इसी आइडिया के ऊपर एम्फोसाइज किया और ये बताने की कोशिश करी कि अगर हमें 21st century हमारी बनानी है या फिर 21st century को इंडिया ओरिएंटेड बनाना है तो हमें क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि ये सेल्फ रिलायंट कैंपेन को अभी क्यों लॉन्च करा गया है, कोरोना वायरस के क्राइसिस के बाद क्यों नहीं या फिर उससे पहले क्यों नहीं। तो जवाब ये है दोस्तों कि इंडिया हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ टर्निंग अ क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जो इंडिया की एबिलिटी है, इसी की वजह से प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोरोना वायरस के क्राइसिस के टाइम पे ये सेल्फ रिलायंट कैंपेन को लॉन्च करा है। इसका एग्जांपल दिया है और एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के किट्स की बात करी गई है और N95 मास्क की बात करी गई है। ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो है इसके अंदर फेस मास्क है, स्टेराइल ग्लव्स है, शू लेगिंग्स है, जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स और जो N95 फेस मास्क, एक रेस्पिरेटरी स्पेशली डिजाइंड रेस्पिरेटरी मास्क है अगेन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। नाउ अगर हम बात करें, जनवरी तक इंडिया एक भी PPE किट्स को प्रोड्यूस नहीं करता था। हमारे पास 2.7 लाख PPE किट्स का जो स्टॉक था ऑल ऑफ इट वाज इंपोर्टेड। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का क्राइसिस इंडिया में बढ़ने लगा, वी फेल्ट ए नीड फॉर PPE किट्स, N95 मास्क, और हमने इंपोर्ट करना शुरू करा। बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट ने जो हमें मास्क डोनेट करा था वो सारे चाइना से आ रहे थे एंड मोस्ट ऑफ दोज PPE किट्स फेल्ड क्वालिटी टेस्ट। तो इस टाइम पे ये जनवरी का सिचुएशन है और अगर आप करंट सिचुएशन को देखोगे तो मई में कुछ ही दिन पहले इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन करा PPE किट्स का, दैट इज़ 2.06 लाख PPE किट्स ऑन अ डेली बेसिस हम अभी फिलहाल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फ्रॉम अ सिचुएशन वे वी वर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू अ सिचुएशन वे वी आर प्रोड्यूसिंग 2 लाख PPE किट्स एंड 995 मार्क्स पर डे, दिस इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि वी हैव दिस एबिलिटी कि अगर क्राइसिस है तो इसको अपॉर्चुनिटी में बदल के हम सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज ऑन स्पीच कि कैसे अपॉर्चुनिटी जो है, या सॉरी जो क्राइसिस है उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके फ़ायदा उठा सकते। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस क्राइसिस कैसे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यहाँ पे इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज आर वाइडली अक्लेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू देयर चीप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे आप देखोगे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $37 बिलियन के वर्थ की है और उसमें से 18 बिलियन डॉलर के हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 20% टू द ग्लोबल जेनरिक ड्रग्स के मार्केट पे। जेनरिक ड्रग्स वो दवाइयाँ, जेनरिक ड्रग्स जो है वो जो सामान्य दवाइयाँ है, इसके अलावा ब्रांडेड ड्रग्स होती है, जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं। तो जेनरिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनी जो या इंडियन फार्मा फर्म्स है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई 20% ऑफ मार्केट शेयर, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करता है बाय वॉल्यूम इंडियन फर्म। और अगर हम बात करें इंडियन सिचुएशन की या इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पे देखिए 1969 में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स हैड 5% शेयर
only 5% share, or global pharma had occupied the rest, या फिर 95% of share. लेकिन by 2020 अगर हम बात करें अभी की current situation की, तो Indian pharmaceuticals का Indian market में 85% share है और global company का 15% share है. तो अगर हम बात करेंगे 1969 से 2020 के comparison की, तो सिर्फ 50 साल में situation almost reverse हुई है. 5% share to 85% share is a significant transformation again. And इसी की वजह से ये बोला जाता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स में ये पोटेंशियल है. इंडियन फार्मास्यूटिकल्स चीप है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है. इंडियन फार्मास्यूटिकल्स स्टेडिली ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर कोरोना वायरस क्राइसिस में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे ये बताया गया है, एक सेइंग है, विंस्टन चर्चिल ने बताया था, नेवर वेस्ट ए गुड क्राइसिस. कोई भी एक क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए. अगर उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो उसको उसका पोटेंशियल उसको यूटिलाइज़ करके जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हम रीप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए. तो कोरोना वायरस के क्राइसिस में अगर हम सही तरीके से हमारे फार्मा इंडस्ट्री को एनकरेज करेंगे, तो शायद हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल हेल्थ केयर में, और हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकते हैं. यही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी थी प्रधानमंत्री जी ने. दोस्तों, सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर इंडिया. यहाँ पे मोदी जी ने ये बात करी गई कि जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है, इसको हम अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं. लेकिन ये सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट के बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं. अगर हम इंडियन हिस्ट्री या इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ पे सब कुछ एग्जांपल्स को मैंने मेंशन किया हुआ है. सबसे पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताया, 1960s में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया में अक्यूट फूड शॉर्टेज, फूड क्राइसिस चल रहा था. वी वर नॉट सेल्फ सफिशियंट, हमारे यहाँ पे हम डोमेस्टिक डिमांड को भी मीट नहीं कर पा रहे थे. तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च करा, एंड नाउ इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम फर्स्ट और सेकेंड पे आते हैं. कॉटन हो, शुगर केन हो, ऑलमोस्ट एवरी अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये एक एग्जांपल है, सक्सेसफुल एग्जांपल है जो सेल्फ सफिशिएंसी का है. इसके बाद इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दोस्तों आप अगर रिकॉल कर सकते हो, तो 1960s 70s के आसपास जो चाइना ने सबसे पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करा, और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर दी, और इंडिया को फोर्स करा गया कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए. हाउएवर इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन, और उसके बाद इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देनी बंद कर दी. वी प्रोग्राम्ड, वी डेवलप्ड आवर ओन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू डेवलप वेपन्स, आल्सो टू डेवलप इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी अगर आप देखोगे, तो इट इज़ अ 3-stage प्रोग्राम. आप सब लोगों को पता होगा, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूरेनियम की जरूरत है, लेकिन इंडिया में यूरेनियम के रिजर्व्स नहीं है, इंडिया में थोरियम रिजर्व्स है. हाउएवर थोरियम रिजर्व्स को सक्सेसफुली यूटिलाइज करने के लिए वी हैड टू डिज़ाइन अ 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम. दिस इज ऑल्सो ए मेजर एग्जाम्पल ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी या सेल्फ रिलायंट इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये प्रोग्राम को लॉन्च करा था. जब कोई भी इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, मिसाइल्स इंपोर्ट करने नहीं दे रहा था, तो अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है, उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इंडिया को सेल्फ सफिशियंट या सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये प्रोग्राम को लॉन्च करा था. एंड नाउ हमारा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ दी क्या है, डिफेंस सेक्टर में हमारा सबसे डेवलप्ड प्रोग्राम हम बोल सकते हैं. फिर उसके बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चाहे वो GSLV Mach 3 को डेवलप करना हो, चाहे हमारा ओन नेविगेशनल सिस्टम को लॉन्च करना हो, सो दीज आर दी मेजर एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस. दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो मोदी जी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस कैंपेन नाउ, बट द आइडिया हैज़ बीन एग्जिस्टिंग इन इंडियन
लैंड सिंस आर एंशियंट टाइम्स राइट. अगर कोई भी आप हमारे फिलोसोफर्स की बात करें तो आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज डीप रूटेड इन आर कल्चर. गांधी जी की बात करें तो गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशियंट विलेजेस, स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन, यही सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड था. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है सेल्फ रिलायंस के. इसके बाद हम दूसरे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मेंशन किया गया था कि इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नॉट सेल्फ सेंटर्ड. इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया प्रॉस्पर करता है, अगर इंडिया आत्मनिर्भर होता है तो इसका फ़ायदा इंडिया को तो होगा, लेकिन इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा और पूरे एंटायर मैनकाइंड को भी फ़ायदा होगा. ये क्या कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी दिए थे, योगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस. मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, सेल्फ रिलायंस, इंडिया का आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड. मतलब अगर हम प्रॉस्पर हो रहे हैं, अगर हम डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव रखते हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे कोर वैल्यूज़ है. और अगर हम प्रॉस्पर कर रहे हैं या अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी भी प्रोग्रेस होगी. और एग्जाम्पल दिए हैं इंटरनेशनल योगा डे. सबसे पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रपोज़ल इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में प्रपोज़ किया था, और उसके बाद हर साल June 21st को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे योगा के बेनिफिट्स टू हेल्थ, सबको पता है योगा के प्रैक्टिशनर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और इंक्रीजिंग रेट पे योगा के प्रैक्टिशनर्स बढ़ रहे हैं. अभी फ़िलहाल के लिए 300 मिलियन से ज़्यादा योगा प्रैक्टिशनर्स है वर्ल्ड वाइड में. Now, yoga's contribution to health as a stress reliever is again widely acclaimed. So this is again an India's campaign, in India's value, which is not only helping India but also to the world's community. India ne International Solar Alliance ko bhi it launched kara tha in 2015 COP21 first ki conference mein. Aur abhi agar hum baat kare to is alliance ke saath 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज जुड़ गई है. यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब क्या है. बहुत सारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच के जो कंट्रीज़ है, इनका एक अलायंस है टू एक्सप्लॉइट सोलर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करके फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सके. सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ कैंपेन, इंडियाज़ इनिशिएटिव विच हैज़ नॉट ओनली हेल्प्ड इंडिया बट ऑल्सो टू द वर्ल्ड कम्युनिटी. यही कॉन्सेप्ट के बारे में प्रधानमंत्री जी ने, तो जो हमने पहले सवाल उठाया था कि व्हाई इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कैंपेन नाउ सेल्फ या आत्मनिर्भरता का जो कैंपेन है अभी क्यों लॉन्च करा गया, तो आंसर इज सिंपल. सेल्फ रिलायंस द कॉन्सेप्ट या वैल्यू या कोर आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस इज डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर. इंडिया हैज़ द एबिलिटी टू टर्न क्राइसिस into an opportunity, और उसके examples भी हमने देखे, examples of self reliance भी देखे. एक और मैं एक major example बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया था Y2K के crisis के बारे में, year 2000 के crisis के बारे में. यहाँ पर याद रखना year 2000 crisis या Y2K के crisis को millennium bug या Y2K के bug crisis भी माना जाता है. दोस्तों ये crisis था क्या actually 2000 year 2000 से पहले कंप्यूटर्स ईयर्स को टू डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते थे. फॉर एग्जांपल अगर ईयर 1989 है तो इसको 89 में रिप्रेजेंट करते थे, अगर ईयर 1982 है तो इसको 82 में रिप्रेजेंट करते थे. टू सेव स्पेस एंड मेमोरी को, या फिर उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो देवर थ्राइविंग टू रिड्यूस द कंप्यूटर साइज, तो इसकी वजह से टू डिजिट्स का इस्तेमाल करते थे. लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, वो ये था जब 2000 साल आने वाला था तब उसको रिप्रेजेंट किया जाए, कंप्यूटर्स वुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड द ईयर विद 00. लेकिन 00 तो 1900 ईयर को भी एक्सप्लेन करने या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट टू डिजिट्स आएंगे.
तो जब ये प्रॉब्लम हाईलाइट हुई तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मेजर चैलेंज बन गया, ये एक मेजर कंप्यूटर का बग बन गया। और यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने लग गए लोग, गवर्नमेंट्स, टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। और इस टाइम पीरियड पे आपको पता होगा 1999 का पीरियड था, 1998 और 89 का पीरियड था, 1999 का पीरियड था। इस टाइम पीरियड तक हमने ऑलमोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स ला रखे थे, इंडिया में भी डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडियन साउथ या फिर हैदराबाद एंड बैंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज ने ये Y2K क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, इनको डीबग करने के लिए प्रोग्राम्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू करा। और यहाँ से इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर नज़र पड़ी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशंस की, और उसके बाद इंडियन या साउथ इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। तो यहाँ पे ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कोट किया एग्जांपल, क्योंकि ये जो Y2K क्राइसिस था, एक ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे जो उभर पे आया था, हालांकि वो हेल्थ का से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस था। पूरा बैंकिंग पावर, जो भी मेजर मेजर सेक्टर्स है, वो सारे कोलैप्स हो सकते थे अगर इसको डिबग नहीं किया होता। तो इस मेजर क्राइसिस को, इफ दिस मेजर क्राइसिस टर्न्ड इनटू अ बून फॉर इंडिया, एंड देन उसकी वजह से अभी भी आप देखोगे तो इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोजर, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया ने सब्सटैंशियल ग्रोथ अचीव कर रखी है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में आईटी एंड सॉफ्टवेयर आर वन ऑफ द मेजर क्या है, रोल प्ले करते हैं। और यही एग्जाम्पल को कोट करते हुए, अगेन दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ दिस पोटेंशियल या अबिलिटी टू टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद आई होप दिस इज़ क्लियर कि सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भरता का कैंपेन जो है अभी क्यों लॉन्च करा गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की जी ने अपने स्पीच में सेल्फ रिलायंट इंडिया को अचीव करने के लिए 5 मेजर पिलर्स को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई। और वो 5 मेजर पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहला, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, इंडियन इकोनॉमी में चेंज लाना, बट दैट चेंज वुड नॉट बी इंक्रीमेंटल, बट हम क्वांटम जंप का चेंज लाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब होता है कि इकोनॉमी के हर एक पहलू के ऊपर फोकस करेंगे और एक एक करके उसको क्या है, हम चेंज करेंगे या उसको डेवलप या स्ट्रेंथन करेंगे। क्वांटम जंप्स का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली सारे फैक्टर्स को हम एक साथ लेंगे और सारे फैक्टर्स में तेज गति से इम्प्रूवमेंट करेंगे, दे बाय इम्प्रूविंग इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आर इकोनॉमी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात करी गई, जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सिस्टम को डेवलप करने की बात करी गई, एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करी गई विच विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। और वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात करी गई, वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब क्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट इज़ आर यूथ पॉपुलेशन। इनका स्किल डेवलपमेंट करना, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इनके एजुकेशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, यही सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा डेमोग्राफी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिमांड को इम्प्रूव करना। दोस्तों, दिस इज द मेजर फैक्टर इकोनॉमी में। आप सब लोगों को पता है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डिमांड। अगर डिमांड है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगी, और सारे सेक्टर्स और सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व या एड्रेस कर सकते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी, जस्ट बाय इंक्रीजिंग डिमांड। बट करंट सिचुएशन आप सब लोगों को पता ही है, इंडिया में डिमांड का डिक्लाइन हो रहा है। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है, सारे इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स के डिमांड है, उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो डिमांड को पिकअप करने के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है, एंड राइटली द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फिस्कल स्टिमुलस या इकोनॉमिक पैकेज जो है, उसको डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बात करते हैं। ये जो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया है, इट विल इंक्लूड द प्रीवियस रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 1,70,000 करोड़ के रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था मार्च में।
इसके अंदर हर एक हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का इंश्योरेंस, गरीब 80 करोड़ फैमिलीज को फूड, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए रिपैट्रिएशन होगा, कैश ट्रांसफर्स किया जाएगा, जनधन अकाउंट, जो भी जनधन अकाउंट के होल्डर्स है उनके अकाउंट में 500 रुपीज़ एवरी मंथ, गैस सिलेंडर्स, मनरेगा के वेजेस को इंक्रीज करना, तो ये सारे ऑलरेडी रिफॉर्म्स 1,70,000 करोड़ तक का रिलीफ पैकेज जो है 2 महीने पहले ही सरकार ने लॉन्च कर दिया था मार्च में। उसके अलावा आरबीआई ने भी अपने तरफ से रेपो रेट कम करना, सीएआर को कम करना टू इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो डिमांड भी पिक होगी। हमने यहाँ पे देखा है कि 5 पिलर्स में से एक पिलर है डिमांड को बढ़ाना, तो इसी डिमांड को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है बाय प्रोवाइडिंग या बाय इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। तो ये ऑलरेडी लॉन्च किए गए हैं, गरीब कल्याण योजना ऑलरेडी रिलीज है। इसके अलावा कल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने वाली है, और ये सारे रिफॉर्म्स विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है या किसान के लिए, सारे जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या स्टेक होल्डर्स है इकोनॉमी के, सबके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने की बात करी गई है। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है, जैसे लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ से रिलेटेड प्रोविजन होंगे, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, एमएसएमई से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबके लिए ये सारे रिफॉर्म्स जो होंगे, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को एनकरेज करने के लिए, उनके उनको प्रमोट करने के लिए लेके आएंगे, दे वर अचीविंग सेल्फ रिलायंट इंडियन ड्रीम। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात करी गई, प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सबसे पहली चीज़ डिस्कस करी कि जब इंडिया के पास पीपी और N95 मास्क नहीं थे, जब इंडिया डिपेंडेंट था, तो हमें खुद से ही प्रोड्यूस करना पड़ा एंड वी बिकेम सेल्फ रिलायंट। तो प्रधानमंत्री जी ने यही बताया कि अभी क्राइसिस के टाइम पे कोई भी इंपोर्ट्स काम नहीं आ रहा, कोई भी फॉरेन प्लेयर या एक्सटर्नल प्लेयर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कोई काम नहीं आ रही, सारी की सारी डिमांड्स अभी 2 महीने से जब तक लॉकडाउन चल रहा है, हमारी सारी की सारी डिमांड्स, एवरी डिमांड ऑफ जो भी हमारी मेजर डिमांड्स है, वॉज मेट बाय लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोड्यूसर्स। तो लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी मेंशन किया कि आज की डेट में जो भी मेजर ग्लोबल ब्रांड्स है, चाहे एप्पल हो, मैकडॉनल्ड्स हो, जो भी डोमिनोज हो, ये सारे मेजर ब्रांड्स जो थे कभी ना कभी लोकल थे, वहाँ के लोगों ने उनको प्रमोट करा, उनके ब्रांड को वोकल लाइज करा, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको प्रमोट करने के बाद ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स बने। तो इंडिया में भी यही कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बी वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। उसका मतलब है कि हमें भी इंडिजिनाइजेशन या स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अलावा इस्तेमाल के साथ साथ उसको प्रमोट भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ महीने पहले मोदी जी ने खादी का एग्जांपल देते हुए कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खादी और हैंडलूम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके उस अनाउंसमेंट के उस दरख्वास्त के बाद खादी की रिकॉर्ड सेल्स होने लगी, पूरे इंडिया में जितने भी स्टोर्स हैं खादी वो रिकॉर्ड सेल्स को रजिस्टर करने लगे। सो दिस इज़ अगेन अ मेजर एग्जाम्पल मोदी साइटेड, प्राइम मिनिस्टर साइटेड। दोस्तों आखिर में प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस हमारे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन के रहने वाला है अगले कुछ कुछ महीनों तक एटलीस्ट। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आर लाइफ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड इट, हमें कोरोना वायरस की वजह से हमारी लाइफ को हॉल्ट नहीं करना है, वी नीड टू स्टे कॉशन, हमें प्रिकॉशंस लेना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन आर टारगेट्स। और उसके बाद 4th लॉकडाउन के बारे में भी बताया गया, कुछ जानकारी दी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के सुझाव के हिसाब से लॉकडाउन को एक्सटेंड करा जाएगा, उसके रिलेटेड जानकारी दी जाएगी ऑन 18th में। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने, सो दोस्तों दैट्स इट इन टुडे सेशन, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया, मेंशन किया गया, विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू
फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इनके ऊपर प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और रिलेटेड लिंक्स अगर आपको इसके बारे इन सारे टॉपिक्स के बारे में ये सारे इश्यूज के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो यू कैन रेफर टू दी सोर्स। और दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।